हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो यार, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी, पर सबसे पहली बात तो, और ये जो वीडियो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और ये लोगों से बच के रहे, सावधान रहे, ये लोग बहुत चालाक है, बहुत शाने होते हैं। सो मुझे एक कॉल आया था जो कि बोल रहा था मैं बैंक मैनेजर बात करूँ, बैंक की तरफ से कॉल आया था, ऐसा बोल रहा था, जबकि वो फेक था। और मैंने बहुत बोला बन के उससे बात किया, अभी ये वीडियो को जरूर देखो, आपको उससे काफ़ी मालूम होंगी। तो कभी भी अपना जो एटीएम कार्ड का जो नंबर होता है वो, और जो उसकी स्पेडेट वगैरह कभी मत शेयर करना, वो लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं दोस्तों। सो ये वीडियो जरूर देखो, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो में, अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो ज़रूर देखो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना गाइस, और चैनल पर अगर नए हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, और मैं आप वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, लव यू गाइस। हेलो, हाँ, जो एटीएम कार्ड जो चला रहा हूँ वो बंद हो गया, उसको चालू करना है क्या, बंद रखना है? नहीं नहीं बंद कैसे क्यों होगा, चालू तो था मेरा कार्ड। हाँ जी सर, आपका चालू था, जो सर आपका वेरीफाई रिन्यूअल जांच आधार कार्ड क्वेरी फॉर्म बैंक से अपडेट नहीं हुआ था, जिसके कारण आपका एटीएम कार्ड बंद कर दिया गया था, उसको चालू करना चाहते हैं क्या, बंद रखना चाहते हैं आप? नहीं नहीं चालू तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जरूरत है ना, उसकी तो जरूरत पड़ती रहती है ना, तो बंद कैसे क्या रखना है? हाँ मैं यहाँ से चालू कर दे रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि सर एटीएम कार्ड से जब पैसे निकालते हैं मोबाइल से मैसेज मिलता है आपको, पैसे निकालते एसएमएस मिलता है? अरे यार वो हाँ, तो पहले मिलता था पर अभी बंद हो गया, वो भी चालू करवाना है मुझे, दोनों लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा। तो चालू हो जाएगा, बताना भरा रहा हूँ सर, मुझे टाइम नहीं मिला ना इसके लिए। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपके यहाँ से बराबर मैसेज मिलेगा, ठीक है, आपका चालू कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपना एटीएम कार्ड को 2 मिनट के लिए बाहर निकाल लीजिए, सर हाथ से ले लीजिए, उसका वेरीफाई रिन्यूअल जांच मैं भी कर दे रहा हूँ, आपका कंटिन्यू 10 साल तक फिर आपका चालू रहेगा। ओके सर, ओके ठीक है, मुझे दो मिनट। हाँ जी, मतलब घर में कार्ड तो उसमें ले लीजिए मिनट। यस सर, हाँ सर मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ निकाला एटीएम कार्ड को? जी जी हाँ, उसमें देखिए सर आपका वेरीफाई रिन्यूअल नंबर चालू करने का नंबर लिखा होगा, 16 अंक का नंबर, चार चार करके नंबर होगा सर, चार भागों में देखिए, चार चार करके बोलू क्या? हाँ तो वो सर क्या बोलते हैं ये, तो अभी तो मैंने मतलब परसों के दिन तो पैसे निकाला, कुछ तो पैसे तो निकले थे। हाँ जी जी, वो वेरीफाई रिन्यूअल जांच नहीं हुआ ना सर, इसकी वजह से बंद किया गया आपका, तो ऐसे अपडेट नहीं हुआ किया गया था। मतलब ये मतलब क्या होता है जो आप बोल रहे हो, मतलब मैंने परसों निकाला तो चालू था? जी चालू था सर, मगर आपका की डेट में 6:41 से आपका एटीएम बंद किया गया, जिस तरह का वेरीफाई रिन्यूअल जांच आधार कार्ड और केवाईसी फॉर्म बैंक से अपडेट नहीं किया गया था सर आपका। तो सर मैं तो क्या बोलते हैं आधार कार्ड तो अपडेट कर दिया था, मतलब डेढ़ साल पहले कर दिया था मैंने, कैंसिल हो गया सर, इसके वजह से बंद हुआ है। तो अभी आपका रिन्यूअल ऑनलाइन के थ्रू से आपका कंटिन्यू चालू कर दे रहा हूँ, मोबाइल से एसएमएस मिल जाएगा, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। तो कैंसिल कैसे हुआ, मैंने तो जब कर दिया फिर बैंक वाले ने क्यों कैंसिल करे आप लोगों ने? कभी लिंक का प्रॉब्लम रहता है ना, तो अक्सर भी आपका यहाँ से एक्टिवेट नहीं हो पाता है अच्छी तरह से, तो इसके वजह से आपका यहाँ से कभी भी कैंसिल हो सकता है, समझे? तो आपको कभी भी समय लगेगा सर, कभी आपको कोई दिक्कत होगा तो ये नंबर हमारे 24 घंटे चालू रहता है, कभी भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ओके हाँ, बट और आधार कार्ड उससे लिंक हो जाएगा मेरा, और क्या होगा? हाँ बोलिए सर, मतलब अभी जो आप करोगे तो उससे क्या होगा, आधार कार्ड लिंक हो जाएगा और क्या क्या, मतलब मेरे काम होंगे, मतलब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ ऑनलाइन से होगा, उसके बाद मोबाइल पे मैसेज मिलेगा, आपका कंटिन्यू चालू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एटीएम कार्ड के ऊपर जो 16 अंक का नंबर है, तो नंबर बोलिए। तो हेलो, हाँ सर, ये जो आधार कार्ड है तो वो तो लिंक कर दिया सर मैंने पर पहले?
जी वो कैंसिल हो गया था, पर कभी मतलब लिंक का प्रॉब्लम के कारण अच्छी तरह से आपका एक्टिवेट नहीं हुआ था, ठीक है? तो नहीं वो तो मैंने ऑटोमेटिक बैंक में जाके किया था, उन्होंने जी, बोला हो बिल्कुल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका बात समझ पा रहा हूँ। यहाँ से आपका सर दिखा दिया था कि आपका एक्टिवेट हो गया है, प्रॉब्लम कभी इशू कारण के प्रॉब्लम के कारण आपका तो एक्टिवेट ऐसे जो होता है ना, बैंक में ऐसे कैसे प्रॉब्लम हो सकता है? शायद बिल्कुल होता है सर, आप ही लिंक का बैठे थे प्रॉब्लम वहां पे क्या? आपने क्या क्या था सर? क्या तब? मतलब मैं जब आया था तब आपने क्या था क्या? आपकी आवाज भी थोड़ी ऐसी लग रही है मुझे। हाँ जी, मैं सीनियर सुपरवाइजर बात कर रहा हूँ सर, अरविंद गुप्ता जी बोल रहा हूँ, वो हमारे जूनियर अधिकारी था। हाँ मुझे नाम नहीं पता वैसे हाँ तो। मैं सर सर मैं एक्टिवेट कर दे रहा हूँ, मोबाइल से भी मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है? आपके ऑनलाइन के थ्रू से आपका कर दे रहा हूँ, अभी एक्टिवेट कर दिया जाएगा, फिर मोबाइल पे मैसेज मिलेगा, वो मैसेज को कभी बैंक में लेके आइएगा, ठीक तो है सर सर? मैं ये क्या बोलते, जैसा कोई भी मतलब मुझे प्रॉब्लम आते हैं ना, मतलब SMS नहीं आते कभी, हाँ मतलब पैसे बिल्कुल निकालना है बिल्कुल, और जैसे हाँ SMS नहीं आते, तो जी उसके लिए बिल्कुल ना वो घड़ी घड़ी फॉर्म भरना पड़ता है। तो क्या हम तो डायरेक्ट मैं आपको कॉल कर सकता हूँ कि फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी मैं आपका वो भी कर दे रहा हूँ, जो मैसेज मिलेगा ना वो भी आपका मैं एक्टिवेट कर दे रहा हूँ, फिर आप जब भी हाँ एटीएम वही ना यार, अरे निकालिए। SMS नहीं आते कभी भी, मतलब वो ना मतलब पैसे विड्रॉ करो ना ATM से तो वो नहीं है, मतलब SMS नहीं आता है। मतलब अभी अच्छा अब तो कोई दिक्कत नहीं, एक्टिवेट मैं समझ कर लो दे अभी रहा ना हूँ कम से कम 15 दिन हो गए होंगे, तो 15 दिन पहले जी हमने वहाँ पे जी शॉपिंग की थी शादी की, तो 25,000 रुपये शॉपिंग होगी थी हमारी दोनों भाई की। अच्छा ठीक है, तो कोई तो दिक्कत नहीं है, मैं चालू कर मतलब दे रहा हूँ पैसे एटीएम हमने के मतलब थ्रू। ATM से ही पैसे दिए वहाँ पे पे किए, बट हमको SMS ही नहीं आया, तो फिर हम वही बोल रहे थे फिर SMS क्यों नहीं आया, फिर SMS क्यों नहीं आया। तो फिर जब बैंक में अच्छा गया ना सर मैं, जी फिर बैंक पे बुक पे जब पासबुक की मैंने एंट्री लिया ना, तो तब पता चला हाँ भाई बरबर पैसे कट गए। वही मैं बोल रहा था SMS नहीं आया, और अच्छा अभी सर परसों के दिन ही मैंने पैसे काटा था 5,000 रुपये, तो तब भी ऐसे हुआ। जी, अच्छा और अच्छा महीने भर ठीक पहले है की तो बात है, हाँ तब भी नहीं आ रहा समझे। हाँ जी महीने भर जी कोई पहले दिक्कत मतलब नहीं। मेरे जो अकाउंट है ना, मतलब मेरे पापा भी चलाते, मतलब मेरे पापा जो है ना तो वो भी ये अकाउंट यूज करते, मेरे अकाउंट मतलब उनका अकाउंट यूज कर दिया था। तो उनका कुछ पैसे ट्रांसफर करने थे उनके, तो उन्होंने कुछ 3-4 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे, ठीक है? तो अच्छा अच्छा उनका तो भी ठीक है, कोई तब भी दिक्कत SMS नहीं नहीं है। आया, हाँ तो वो भी परेशान हो गए। तो यार पैसे तो हमने भेजे, फिर SMS क्यों नहीं आ रहे समझे? अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्टिवेट में कर दे रहा हूँ, ठीक है? मोबाइल पे यही नंबर आपको मैसेज मिल रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं यही नंबर आपका एक्टिवेट में कर दे रहा हूँ। देखिए सर, एटीएम के ऊपर जो वेरीफाई रिन्यूअल नंबर है वो नंबर एक्टिवेट करवा दीजिए, बोलिए सर। हेलो। हाँ सर हाँ सर बोलिए। मुझे तो कौन, एक मिनट। हाँ दो दो करके जो नंबर वो नंबर हाँ मैं बोलिए। क्या हुआ, एक मिनट, कोई आया हमारे यहाँ पे, मेरी मेहमान आए थे। अमित तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर तो क्या बोलना है मुझे, बोलिए सर। हाँ 4-4 करके जो नंबर है, 16 डिजिट का नंबर सर, रिन्यूअल वेरिफिकेशन नंबर, वो नंबर बोलिए। हाँ जो 4-4 करके जो नंबर होता है, हाँ सर लिखिए। हाँ बोले। जीरो जीरो। जीरो अरे सर इस तरह नहीं होता है सर, शुरू से बताइए, आप देख के बताइए। नहीं तो 0 है। हेलो जीरो कैसे हो सर, जीरो से नंबर ही नहीं होता है चालू आप अरे वो 4-4 नंबर होता है ना, जी। तो वही ना 0-1-4-0। 0-1-4-0 से नहीं होता, एटीएम की बीचों बीच में देखिए, जो बड़े बड़े करके जो नंबर है वो नंबर बताइए। बड़े 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 करके जो नंबर है, हाँ 16 डिजिट के नंबर होते हैं ना, 16 जी कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। ये इधर पीछे साइड के। हाँ हाँ बताइए। ये चार 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 अलग अलग है ना, वही ना हाँ हाँ वही नंबर चार जीरो चार करके। हाँ तो ये 0-0 नहीं, सॉरी। हाँ हेलो सर, एट जीरो टू सर नंबर नहीं लिखा रहता है, गलत एट क्यों बोल रहे हैं? फिर एट टू 82 से नंबर बता रहे हैं, 82 से नंबर आपका रहता है सर, गलत क्यों बोल रहे हैं बताइए। अरे सर 8-2 यहाँ पर, तो 8-2-1-9-4-2 हाँ जी डबल फोर एटीएम बिल्कुल गलत बात है, रॉन्ग आपका, रॉन्ग नंबर बता रहे हैं। नहीं, रॉन्ग नंबर कैसे बताओ, मैं तो सही देख के बता रहा हूँ ना सर।
रॉन्ग नंबर है सर, और नंबर अच्छी तरह से देख के बताइए। तो ये दो कार्ड है, दो तीन कार्ड है हमारे यहाँ पे, और सब एक जगह रखे हुए हैं, सब SBI की आपकी बैंक के। तो कार्ड इस तरह का नंबर नहीं रहता, अब जिस ये तरह बता रहे हो। बन वाला कार्ड तो नहीं दीजिए मैंने यार, पर यहाँ पे तो यही वाला कार्ड ड्रॉप में। अब अच्छी तरह से नंबर बताइए, देख के बताइए। 8219424। इस तरह से नंबर नहीं रहता है सर, मैं आपको कितना बार बोलूं। अब यही है सर, तो फिर मैं कैसे बोलूँ अभी। व्हाट्सएप चलाते हैं आप? व्हाट्सएप? हाँ व्हाट्सएप चलाता हूँ, बट इसके अंदर नहीं है वो, दूसरे फोन में व्हाट्सएप है, वो अब्बू के पास है। हाँ भेजिए, यही नंबर पर फोटो भेजिए, फोटो दोनों तरफ का एटीएम का खींच लीजिएगा, यही नंबर पे भेजिए आप। नहीं तो ये इसके ऊपर नहीं चलाता ना व्हाट्सएप, जो पप्पा पास फोन है उनके पास व्हाट्सएप है। हाँ तो अभी वो व्हाट्सएप वाला फोन कहाँ पे है आपका? पप्पा, वो तो पप्पा लेगी ना। हाँ तो पप्पा लेंगे, तो नंबर सही से बताइए आप, नंबर गलत बता रहा है। 8219 4244। अरे सर फिर से गलत बता रहे हैं, नहीं सर यही नंबर है एटीएम कार्ड पे। हम नंबर कैसे रहेगा? हम लोग जब छाप के देते हैं तो हम लोग नहीं मालूम रहता है सर हम लोग को। मुझे कैसे पता, इसके ऊपर तो यही है, मैं तो यही डाल रहा हूँ। आपको एटीएम चालू करना है कि बंद कर दो, पर बताइए। अरे नहीं चालू तो करना है चालू, अरे लगेगा फिर कैसे बंद कर सकते हो, आपको कुछ समझता है कि सर, कैसे बोल रहे हो आप। चालू करना तो सही नंबर बताइए। तो यही नंबर है ना, 8219424688 12618 1216 18, सॉरी 16। गलत है सर, मैं कितना बार बोलूँ। तो फिर ये सही सही ये तो सही एटीएम कार्ड का ही नंबर है, कैसे फिर गलत हो सकता है। जो देखो ऊपर नाम है, फिर उसके उसके बाद नंबर है, और फिर उसके नंबर है तो नीचे बात उसके आपका। हाँ बोलिए सर, नंबर बोलिए नीचे तो आप पहले स्क्वायर लिखे ले। हाँ ये देखो, बताइए नंबर। 8219 9 1 9 4244 कितना? और 8668 8668। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रहा है। हाँ जी 8668 1216। हाँ ये तो गलत है सर। सर भी कब कौन सा सही नंबर बताओ। देखो एटीएम कार्ड है SBI का, वहाँ पे नाम है, उसके नीचे ये नंबर है, फिर नीचे एक्सपायरी अरे डेट। SBI का जब कार्ड है तो उसमें देखिए 4591 से नंबर हो या 5196 से होगा, जब और आपका 50 5106 से नंबर होगा, गलत क्यों बता रहे हैं आप? नहीं नहीं आपका सर ये टू सिक्स यही है नंबर सर, होता है। यही है। यही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रखिए फोन, मैं आपका एटीएम अकाउंट बंद कर दे रहा हूँ, ठीक अरे है ना? नहीं नहीं ऐसा मत करो, मेरे पापा क्या बोलेंगे फिर, तो सही बात नहीं किया उन्होंने। हाँ तो सही नंबर बताइए आप, गलत क्यों बोल रहे अरे मैं गलत क्यों बोलूंगा भला, मुझे मेरा एटीएम चालू करवाना है ना, करके हैं? तो गलत फिर दिया। नंबर बता रहे हैं तो गलत क्यों नहीं, वो कैसे नहीं बोलेगा? नहीं नहीं मैं गलत क्यों बोलूंगा सर, मुझे चालू करवाना है मेरा एटीएम, तो मैं नहीं गलत बोल, मैं चालू क्यों करना, गलत सही बोलूंगा भला, मेरा क्यों। नंबर बताइए। आपका ओनली आपका 5 मिनट पहले आप बचा हुआ है, सही नंबर बताते हैं तो फिर चालू होगा, नहीं तो आपका अकाउंट एटीएम सस्पेंड किया जाएगा, ठीक है? अरे नहीं नहीं सर मैं तो सही बता रहा हूँ ना आपको, देखो एट आप सही टाइप करो वहाँ पर, जहाँ पे 8 2 से आपको। नंबर नहीं होता है, मैं आपको कितना बार बोलूँ? तो मुझे फिर ये एटीएम पे क्यों ऐसा ही लिखा हुआ है, 8219 और इसी फोर तरह टू लिखा डबल होता है, फोर मतलब आपका का एटीएम कार्ड में अलग लिखा रहता है और किसी का एटीएम में इस तरह नहीं लिखा रहता है जी। ठीक अब पता नहीं यार कैसा है। तो है रखिए फोन, मैं आपका खाता एटीएम दोनों में बंद कर दूंगा, ऑटोमेटिक आप सही नंबर नहीं 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 बताइएगा, नहीं ठीक सर है ऐसा भैया? मत करो, नहीं नहीं सर ऐसा मत करो, वो मेरे पिता जी मुझे तो सही चिल्लाएंगे नंबर फिर बोला, बाबा सही मुझे, ऐसा मत नंबर करो यार। बताइए ये आप। आप कैसी बात कर रहे हो, आप बैंक का अधिकारी हो, आपको कितनी अदब से बात करनी चाहिए। आप तो सही नंबर बताइएगा तब ना यहाँ से मैं चालू करूंगा, कैसे तरह नंबर गलत नंबर से चालू हो जाएगा आपका? नहीं बट आपको कितनी अदब से अच्छे से बात करनी चाहिए ना, रिस्पेक्ट से। हम फ्री में थोड़ी बैंक में पैसे रखते हैं। तो हाँ क्या नंबर हम फ्री बोलिए में ना, बैंक में पैसे कितना रखते क्या हैं, बोलिए। उसका आपको टैक्स मिलता है, आपको पगार मिलती है ना उसकी इतनी सारी, तो आपको बात करने का ढंग होना चाहिए ना सर। आप तो बिल्कुल कहेंगे ना सर, आपको मैं जब बोल रहा हूँ नहीं इतना बात आप क्या करके, बोल सही रहे हैं नंबर आप, बताइए। नहीं आपने क्या बोला, मैं आपका अकाउंट बंद कर दूंगा, और बंद कर दूंगा ऐसे कैसे बंद कर दोगे आप, हमने पैसे ऐसी फ्री में रखा हुआ है क्या।
हम पैसे देते ना उसके लिए, तो चेक कर लीजिए, मैं आपका बंद नहीं करता हूँ, तो चेक कर लीजिए अब जाके अपना। ठीक है, रखिए कॉल, मैं आपका खाता चेक करिए। दोनों बंद कर दे। आइए, ऐसे कैसी बात कर रहे हो फिर आप? आपको पेमेंट मिलती है ना? पेमेंट मिलती तो क्या सर, किसी का गलत नंबर भी लिख लूंगा? नहीं, हम तो सही बता रहे ना, तो गलत कैसे आपको लग रहा है? मुझे नहीं पता सर, आपके बात में कैसा सही हो रहा है, हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो वो फिर मुझे अभी ये एटीएम, तो एटीएम का ही नंबर तो बोल रहा हूँ ना मैं आपको। अच्छा, मतलब आप सही नंबर बता रहे हैं, हम गलत बता रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं गलत बता, मुझे थोड़ी मेरा एटीएम और मेरा अकाउंट नंबर मुझे ब्लॉक करवाना है, तो मैं गलत बताऊंगा भला? मतलब आप जब सही बोल रहे हैं, हमारे कंप्यूटर गलत बोल रहे हैं, हमारी मशीन गलत बोल रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं। अरे कंप्यूटर कभी कभी गलत भी बोल देता है, पता है आपको? हाँ, यही बात है, यही बात है। तो फिर आप सही से टाइप करिए, सही से वहाँ पे डालिए तो बरोबर आएंगे। ठीक है, रखिए रखिए। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी, ऐसा नहीं हो हाँ सकता। नहीं नहीं मैं नहीं फोन रखने वाला सर, आप बोलिएगा। ठीक है, क्या? हेलो, हेलो। अकाउंट एटीएम बंद होगा तो हमको नहीं बोलिएगा। नहीं 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 ऐसे कैसे बंद कर दूंगा? आप ऐसे बंद नहीं कर सकते, आप बहुत सारे हाँ तो पैसे चेक लगेंगे हमारे करके, उसमें। नहीं 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 ऐसे कैसे बंद कर दूंगे? मेरे पिताजी मुझे चिल्लाएंगे ऐसे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे बोलेंगे ना, फोन आया तो तूने बात नहीं की सही से। चालू करना थी, सही नंबर बताइए। मैं तो आपका अकाउंट एटीएम दोनों बंद कर रहा हूँ, सही बताइएगा तो ठीक है, मैं तो आपका बंद कर रहा हूँ, बोलिए। तो ठीक है ना यही? अरे यही तो सही है ना, 8219 42, और कौन सा होता है फिर एट ये? टू वन नाइन से नंबर अरे होता है जी, पागल जैसे बात कर रहे हैं आप। नंबर बोल, तो ये, अरे तो आप अदब से बात करिए ना, पागल जी से बात नहीं कर रहा हूँ क्या आप कर रहे हैं? ऐसे बात कर रहे हैं, रिस्पेक्टली बात करिए ना, आप बैंक के अधिकारी है ना, तो बैंक आप का फ्री अधिकार में, होता तो मेरे काम पे चल जाएगा। तुम रखिए आप फ्री में तनख्वाह ले रहे हो क्या? फोन, फोन रखिए आप, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी दिमाग देखो में। मैं। हेलो। रखो फोन, रखो। नहीं तो वो बैंक अकाउंट हमारा और वो चालू होना चाहिए, अगर बंद हुआ तो फिर देखो हम ऊपर कंप्लेन करेंगे अपने ऐसी बात अकाउंट और की। एटीएम अपना गांव में पहुंच लो, तो हो जाएगा वहां क्या? पर चुड़ के तल कुत्ता कहीं का। तो हेलो, बैंक का लंदू घर फोन रखता है कि नहीं रखता? ऐसे क्यों गाली दे रहे हो? आप बैंक अधिकारी ऐसे क्यों बात कर रहे हो?